नमस्कार आपण देखुचंती आमरी ओडिसा आमे लगातार आपण मानकु न्यूज 18 ओडिया माध्यम रे जो बन्या स्थिति एवं पानी पाग संपर्क रे अपडेट दे चली छु। वर्तमान रे अपडेट हेउची उत्तर पूर्व पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल सागर रे सृष्टि हेला अवपात। दीघा थारु वर्तमान 250 किलोमीटर दूर रे रहिची या पानी पाग विभाग रो निर्दिष्ट समय देनी किंतु या संध्या समय रे अतिक्रम करिवो। बालेश्वर ओ सागर द्वीप मध्य रे या अतिक्रम करि पारे तेबे आसंता 6 घंटा मध्य रे या गभीर अवपात रो रूप नेबो। तेणु यार प्रभाव रे ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ रे प्रबल वर्षा नहीं आशंका जारी रही। ध्यान रे रखी राज्य सरकार अलर्ट करिसंती एवं विशेष करी मयूरभंज एवं केन्दुझर को अलर्ट जारी करा जाई। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड रे रही। प्रबल वर्षा हेले आवश्यक पदक्षेप नेबाकु निर्देश दिया जाई। संध्यारे बालेश्वर पाख दे नियर अबाउट 250 किलोमीटर अमर साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व रे रहउची बालेश्वर रीजन रु तार गति अराउंड 14 किलोमीटर रे रहउची और सेटी विंड स्पीड नियर अबाउट 50-60 किलोमीटर पर आवर अछि और से धीरे धीरे अप्रोच करउची अमर बालेश्वर आउ वेस्ट बंगाल अमर जो दीघा कोस्ट को आ वर्तमान ता प्रभाव तथापि आमर जो तल डिस्ट्रिक्ट माने अछंती जेमति केंद्रापड़ा जगसिंहपुर मते लागुची किछटा हेवी रेनफॉल एपिसोड बदे चलिबो वर्तमान सेही रीजन रे। तापर से धीरे धीरे जेते बळे पाखुकु जिवो से जो रेन बैंड्स पूरा क्लोज हबो ताहले आमर नेक्स्ट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट माने आसी जाउछंती जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज इमीडिएट इंपैक्ट पाइबे केउझर लागुची बालेश्वर आउ केउझर आउ मयूरभंज विंड रो भी इंपैक्ट पाई परंती। तापरे बरसात तो रहिबो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल किछटा जगह एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल नेक्स्ट जो 24 घंटा रहुची 24 रो 36 घंटा सेटा पीक रहिबो एई सिस्टम रो। तापरे धीरे धीरे जेतेबेले से उत्तर पश्चिम दिगरे आमर ओडिशा वेस्ट बेंगल झारखंड छत्तीसगढ़ यही रीजन में क्रॉस कर सब राज्य स्टेट को हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दब तापर 20 तारीख संध्या राति सुधा तार प्रभाव कमी उपकूल मत लगुच टच कर बालेश्वर पाखापाखी अंचल से बालेश्वर दीघा रीजन रे से टच कर संध्या बेले ही देखिए आफ्टरनून पर इंपैक्टा बर्तमान बढ़ 11 पर इंपैक्ट बढ़ से रीजन रे। तापर धीरे धीरे से आग्रेसीव हम संध्या बेलू मत लगुच पिक स्टेज रहा भी फलोअप जो प्रोसीड कर आगे आउ 12 घंटा तेनाली नहीं चलत 36 घंटा आम इंटेन्स इंपैक्ट देखिपर ये सिस्टम विंड रो वर्षा रो पर्टिकुलरली आमर जो उपकूलवर्ती डिस्ट्रिक्ट मैंने अच्छा बालेश्वर भद्रक आउर जो पार्श्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज केन्दुझर तापर देखिए मिडनाइट पर इंपैक्टा मिडनाइट बेलू इंपैक्टा सिफ्ट कर पश्चिम ओडिशा को सेत बेले सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ एम सब पिक्चर आसवे बरगढ़ आ प्रभावटा काली पाखे पिक रहिबो एपुट प्रभावटा काली टू कमिबो अभिक्रण फास्ट इंपैक्टा बालेश्वर मयूरभंज भद्रक ये सब पाइबे तेणु इंपैक्टा से बेसी रहिबो आमर उपकूलवर्ती उत्तर कोस्टल ओडिशारे तापर इंपैक्टा कमिबो किंतु वर्षार इंपैक्टा रहिबो उपकूलवर्ती हो कि आभ्यंतरण हो वर्षार इंपैक्टा हेवी रेनफॉल कंटिन्यू करिबो नेक्स्ट 48 घंटा पर्यंत 20 तारीख संध्या बेलू से तार प्रभाव कमिला भाया लगे। जहाँ आप शुणुते प्रोफेसर संदीप पट्टनायक कहते आज संध्या सुधा बहुत आग्रेसिव मोड को आसब उपकूलवर्ती होगा उत्तर हो सबुठी वर्षार इंपैक्ट अर्थात वर्षा जारी रही देखा खोर्धारे जदि राति वर्षा हो भुवनेश्वर किंतु अन्न्य स्थान में वर्षा जारी रही आम आपको लगातार केन्द्रापड़ा हो कि पूरी पिपिली हो सबुठ चित्र देखाऊ वर्षा वर्तमान जारी रही आरंभ हो जाए वर्षा तेज दुई दिन वर्षा हो पूर्वर सूचना दि जाता पापाग विभाग तरफ तेज लघुचाप वर्तमान अवपात में परिणत हो सारी आज गभीर अवपात रूप से परिणत हो आज संध्या 6 घंटा भितर और संध्या सुधा यह अधिक मात्रा रे आग्रेसिव हेबो बोली जहां पानीपाग विशेषज्ञ कहते तबे उत्तर उत्तर पूर्व एवं पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि हेला अवपात जहां दीघा ठारु 250 किलोमीटर दूर रे रही
तेज संध्या समय यह अतिक्रम कर बालेश्वर सगर द्वीप मध्य आसंता छह घंटे गभीर अवपात रूप ने प्रभाव में ओडिशा छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा नहीं आशंका रही बर्तमान राज्य सरकार यह देखि आलर्ट अच्छा कारण राज्य में बर्तमान बन्या स्थिति जारी रही है क्षेत्र में आउ एक लघुचाप जहां अवपात में परिणत होती आहरी बन्या को बढ़ाई देव बर्तमान राज्य सरकार आलर्ट मोड्रे अच्छा कारण बर्तमान जो लघुचाप अवपात में परिणत होगा गभीर अवपात में परिणत होशा को आलर्ट जारी कर राज्य सरकार बर्तमान आलर्ट मोड्रे अच्छा विशेषकर मयूरभंज और केन्दुझर को रेड आलर्ट जारी कर प्रबल वर्षा हेले आवश्यक पदक्षेप निया प्रशासन सजग रही अंपटे जो बन्या स्थिति राज्य में लग रही लघुचाप बर्तन जो अवपात में परिणत हो सक्रिय कर अर्थात बन्या पानी छाड़ू धीरे धीरे दुर्दशा लोकों कमिनी दुर्दशा से बढ़ी बढ़ी चली किंतु आहुरी लघुचाप वर्षा बर्तमान सक्रिय कर बन्या स्थिति को आहुरी भयंकर कर कारण पानी छाड़ा बेले पुणी आउ वर्षा पानी फुले बढ़ेब एवं महानदी कथा कहतु अबा विभिन्न स्थान में नदी कथा कहतु राज्य पुणी नदी फुल नदी बढ़ पुणी बन्या को आहुरी कहींपर बन्या स्थिति कमी आसुवा बेले सुधारुवा बेले बर्तमान आहुरी द्विगुणित हो लोक दुर्दशा आहुरी बढ़ जहां आपन को लगातार चित्र देखि चार्चु लोक मैंने बंध उपरे रास्ता उपरे आश्रय नहीं बन्यापाई कारण घर भितर बाहर जुआड़े देखिए खाली पा आ बर्तमान पा गबलित हो सारी आम राज्यर अधा राज्य अनेक अंचल बर्तमान जलमग्न जलबंदी अवस्था बाह्य जगतर विच्छिन्न प्रशासनिक सहायता केउठी पहुंची तो केउठी पहुंची ना एभली क्षेत्र में आहुरी लघुचाप वर्षा जो आरंभ हो लोकों समस्या को द्विगुणित करण लोक मैंने रास्ता उपर आश्रय नहीं पालटांगी शौंट रोचार किंतु वर्षा हेले पुणी सबू जत ओदा हो रास्ता घाट सब ओदा हो तुम्हें से जिबे कुआडे जदिव किसी लोक स्थानातर करूँ जो भिटामाटी छाड़ जा अबा रास्ता उपर आश्रय नहीं बर्तमान वर्षा आहरी कलबल कर प्रोफेसर संदीप पटनायक जहां कहते आज संध्या बेले जो अवपात गभीर अवपात में परिणत होगा एक्टिव मोड को आसवरी आग्रेसीव मोड को आसवर वर्षा बढ़ जदिओ भुवनेश्वर कहींपर पाग टिके सुखिला रही अन्य स्थान में वर्तमान वर्षा जारी रही न्यूज रूम अच्छा मोर सहयोगी लक्ष्मी नारायण नंद अधिक आलोचना करने लक्ष्मी जदि पाणीपाग कथा कह वर्तमान अवपात गभीर अवपात में परिणत हो किसी समय मध्य तार प्रभाव केमती रहा बिल्कुल जहाँ दुई घंटा पूर्व पाणीपाग विज्ञान केन्द्र बुलेटिन जारी करता जो थे कहुला लघुचाप अवपात रूप नहीं सारी आज छः घंटा भितर गभीर अवपात रूप नेब यह भितर दुई घंटा अतिक्रम कर सारा पखापाखि आउ तीन चार घंटा पर यह गभीर अवपात में परिणत हो धीरे धीरे स्थलभाग आड़क अग्रसर हो प्रभाव में पखापाखि पूरा ओडिशा रे वर्षा हो जहाँ आकलन करा सहित छत्तीसगढ़ और पश्चिमबंग वर्षार परिमाण रही भल बढ़ यह पूर्व जी कह तेउी के दिगक गति करें ताणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देखिए यह हूँ उत्तर ओडिशा एवं दीघा एवं पश्चिमबंग यार प्रभाव रही पारे अर्थ उत्तर ओडिशा वर्षार परिमाण अधिक रश्चिम पश्चिमबंगे दीघा पखापाखि से एरिया वर्षार परिमाण अधिक रथम देखिए पवन रेग कौन रहा जहाँ 55 किलोमीटर 65 किलोमीटर वेगर पवन बहार आकलन करे तो झटका पवन 75 किलोमीटर को छुई पारे घंटा प्रति आप देखते ये हूँ आप चित्र जी आज कथ कह जहाँ बुलेटिन जारी कर आज पखापाखि 45-55 किलोमीटर वेगर पवन बहार संभावना रही आपंकर सका 5टा यह गोस्टिंग टू 65 किलोमीटर्स पर आवर डिप्रेशन थी समय जो डीप डिप्रेशन होते 55-65 किलोमीटर एवं झटका पवन 75 किलोमीटर प्रति घंटा बहार आकलन कर 17:30 बेलू हुए तो से डीप डिप्रेशन रे ही रही थी अर्थ पखापाखि दिन 11:30 रु 17:30 5:30 पर्यंत यह डीप डिप्रेशन रहिबो
23 राति 11:30 पर्यंत मध्ये एहा डीप डिप्रेशन रही रहिबो अर्थ एही समय रे वर्षा रे परिमाण अधिक रहिबो एवं पवन रे वेग 55 रु 65 किलोमीटर हाराहारी रहिबो एवं झटका पवन 70 रु 75 किलोमीटर घंटा प्रति हाराहारी रहिबो किंतु 20 तारीख बेळकु एहार परिमाण कमी जिवो एवं डिप्रेशन रूप नेबो डिप्रेशन रूप नेले एहार पवन रे वेग रहिबो 45 रु 55 किलोमीटर झटका पवन 65 किलोमीटर प्रति घंटा ये होची वर्तमान रो जहां पाणीपाग विज्ञान केंद्र आकलन करिछि तबे के दिग के रही आपण ये होची चित्र देखंतु ये होची डिप्रेशन रो चित्र वर्तमान जहाँ चित्र सैटेलाइट चित्र जहाँ कहूँ वर्तमान यही जगह वर्तमान डिप्रेशन रूप नहीं लघुचाप ये गला गोटे पॉइंट सेकेंड पॉइंट आप नजर करवा प्रकृत में क्यों दिग को गति करे संभाव्य दिग कौन हो पाए देखूँ वर्तमान 19 तारीख चित्र देखते डिप्रेशन रूप नहीं सारी जो यही पॉइंट हूँ आप डिप्रेशन रूप नहीं सारी जितेबाड़े आउ किसी बाट गलापर यह डिप्रेशन रूप नहीं जहाँ आप 11:30 कथा कहुच्छे एवं तापर संध्या 5:30 बेलू यह डिप्रेशन रूप नहीं थी 11:30 बेलू क्षमा करेंगे यह डीप डिप्रेशन रूप नहीं थी गभीर अवपात रूप नहीं सारी थोड़ा राति 11:30 सुधा जहाँ पूर्व सूचना आपको सूचना दौली दर्शक बंधु मान को यह आपणकर ओडिशा एवं पश्चिमबंग यही मध्यवर्ती अर्थ यही बॉर्डर एरिया आप देखते उत्तर ओडिशा प्रबल वर्षा होवार संभावना रही ये हेला कथा एवं धीरे धीरे यह पुणि थे डिप्रेशन रूप नहीं पारे 20 तारीख बेलू अर्थ यह आम निश्चित हो पार स्वाति जे आप देखु आज राति बर्षार परिमाण आहरी बढ़ एवं काली मध्य आपणकर छत्तीसगढ़ कथा कहतु से बर्षार परिमाण अधिक रोटी कथा बड़ कथा हूँ बड़ चिंताजनक कथा हूँ स्वाति जे देखु गोटे पटे दुर्दिन कमी ना निश्चित भाव लक्ष्मी फेरी भी आप दुर्दिन कमी अनेपटे लघुचाप वर्षा दाऊ साधिला निरूपमा जदि बर्तमान आम सहित अच्छा निरूपमा बेहरा पापाग संपर्क अधिक अपडेट देवाई निरूपमा बर्तमान जो स्थिति रही जदिव भुवनेश्वर पाग टे सुखिला रही कि अन्न्य स्थान में बर्षा आरंभ हो गला विभाग कौन कौन ये जो वर्षा आग को आहरी बढ़ कारण अवपात गभीर अवपात में परिणत हो निश्चिंत भाव में जहाँ पूर्वर आकलन करणिपाग विभाग जे चलित लघुचाप्रे अधिक प्रभावित हो उत्तर ओडिशा एवं उपकूल ओडिशार किसी अंश यहाँद्वारा आज प्रभावित हो जहाँ को नहीं आजपाई दुई जिला को रेड वार्निंग सह 14 जिले में ऑरेंज और 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि एवं विभिन्न स्थान में उत्तर ओडिशार वर्षा गत काली राति ठारु आरंभ होता बेले भुवनेश्वर और आखपाख अंचल में वर्षा परिलक्षित होता किंतु आम जदि आज कथ कह जितेबले अवपात सृष्टि हो 6 घंटे यह गभीर अवपात रूप नब ए संध्या समय यह ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल अतिक्रम कर बालेश्वर और सागर द्वीप जिते बड़े गति कर से ही समय वर्षार परिमाण अधिक पवन रेग पखापाखि घंटा प्रति 55 रु 65 किलोमीटर पर्यंत बढ़ समय समय झुंक पवन बा गस्ती ट्विंग जहाँ को कहुए ताद 75 किलोमीटर पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रही है सेपटे उत्तर ओडिशा सबुठ बड़ कथा होती नदी अवबाहिकारधिक वर्षा होगा नहीं स्पष्ट करणिपाग विज्ञान केन्द्र सुवर्णरेखा और बैतरणी में सर्वाधिक 51 रु 75 मिलीमिटर पर्यंत वर्षा हो पाए से जो जिला गुड़िक रेड वार्निंग जारी करा जाएगी ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाएगी से ही नदी अवबाहिका गुड़िक अधिक वर्षा हेबो बोली सूचना देती पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सेपटे समुद्र अशांत रही आसंता 20 तारीख पर्यंत आम जदि कह आसंता काली पर्यंत समुद्र भितर को न जावाई मत्स्यजीवी को बारण कर मोटामोटी कथा होते कहुला लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा घनीभूत होगा नहीं स्पष्ट कर 19 और 20 राज्य में सर्वाधिक प्रभाव रही जदि आम देखा उत्तर ओडिशा समेत उपकूल किसी जिला और आभ्यंतरी दक्षिण ओडिशार किसी स्थान में वर्षार प्रभाव रु आसंता काली जितेबले पश्चिम उत्तर पश्चिम झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ आड़े मुहाइब आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे यार प्रभाव सर्वाधिक रही दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार 8 जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करता बेले 7 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि अर्थात आसंता काली आभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशा रे प्रभाव अधिक धीरे धीरे उत्तर छत्तीसगढ़ मुहा जितेबले हम महानदी उपर मुंडरे अधिक वर्षा हेबो पाखापाखि 50 मिलीमिटर पर्यंत वर्षा हेबा नै मध्य वर्तमान सुधा जहाँ पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करछि तेबे परवर्ती पर्यायर स्पष्ट होइजिबो जे केउ जिल्ला पई कौन परिवर्तन करा जाउछि केते परिमाणर वर्षा हेबो जदिओ वर्तमान आमे देखिबा भुवनेश्वर रे पाग सुखिला रहिछि आखपाख अंचल रे पाग सुखिला रहिछि किंतु अन्यान्य स्थान रे मध्य जेतेबेले वर्षा आरंभ होउछि एवं ट्विन सिटी रो कौन रहिबो
परिमाण वर्षार परिमाण किभली रहिबो सहर अंचल रे किभली रहिबो ताहा मध्ये आउ किछ समय पर स्पष्ट होई जिवो। किंतु वर्तमान पई आमे जे देखिबा उत्तर ओडिसा रे प्रबल वर्षा होइथुवा बेले नदी अवबाहिका विशेष करी सुवर्ण रेखा ओ बैतरणी रे नदी जलस्तर वृद्धि पाइबा एक प्रकार स्पष्ट होइछि। निश्चित भावे अंपटे जदि बर्तमान बन्या स्थित कह निरूपमा जो लघुचाप वर्षा बर्तन अवपात परिणत होवर्त पर्यायर गभर अवपात हो बन्या स्थित को आहरी बढ़ेबाग विभाग कह निश्चित भाव जो कथा कहती आज जिते बड़े केन्दुर मयूरभंज में अधिक वर्षा हाब नहीं रेड आलर्ट जारी करपटे बालेश्वर भद्रक जाजपुर यह सब जिला गुड़िका हाब नहीं अरेज आलर्ट जारी कर तो निश्चिंत भाव में जो नदी अवबाहिका रही विशेषकर सुवर्णरेखा और बैतरणी जार नदी जलस्तर वृद्धि पाव आज और पखापाखि 51 रु 75 मिलीमिटर पर्यंत वर्षा हाब नहीं कहुई सेपटे ब्राह्मणी बुढ़ा बड़ंग एर्षा हाब नहीं कह 38 रु 50 मिलीमिटर वर्षा हाब से महानदी तलमुंड कथा कह 38 रु 50 मिलीमिटर वर्षा हो पाए कि क्रमे आज सन्धार जिते बहुत बालेश्वर एवं सागर द्वीप अतिक्रम कर क्रमे झारखंड एवं उत्तर छत्तीसगढ़ मुहां हेबो धीरे धीरे महानदी उपर मुंडरे मध्य वर्षा हेबो एवं आकलन करा जाउछि प्राथमिक पर्यायर जे 38 रु 50 मिलीमीटर रो वर्षा महानदी सेही समय रे कहि परबो उपर मुंडरे वर्षा हेले मध्य बड्या बढिबो कारण उपर मुंडरे वर्षा आरंभ होइ जाइछि। निरूपमा आमे कहबा वर्तमान बे आपन कटकेबा पई चाहिबी लक्ष्मी आपन प फेरुछि वर्षा हेबो एवं जदि अधिक मात्रा रे वर्षा हेबो जहां आपन कहुतिले एवं लगातार दुर्दशा कथा जतबे आमे आलोचना करूछि लोकमानकर स्थिति वर्तमान जे भली रहि वर्षा आज आरंभ पुणी से दुर्दशा आहुरी बढ़ाइब अधिक रहिबो गोटे पटे लोकों घर पा छाड़ी ना अनेक बनांचल पा जमी रही तले पा रही जब वर्षार परिमाण बढ़ ऊपर पुणी पा पड़ा द्वारा तले पा उपर पा अर्थ आप बुझीपुर दुर्बिषह जीवन के अर्थ बनांचल बनांचल बासिंदा अवस्था के दयनीय हो देखा तो बर्तमान अपडेट नहीं जावा बर्तमान प्रकृत केते परिमाणर वर्षा हो पाए क्यों क्यों जिले में वर्षा हो पाए कि सौभाग्यर कथा हो अंत पक्षे उपकूल ओडिशा रे जदियो उत्तर ओडिशा रे वर्षा परिमाण अधिक रहिबो किंतु उपकूल ओडिशा रे जदियो वर्षा रहिबो किंतु ता अपेक्षाकृत कम रहिबो एबे देखिबा जेतरा 20 तारीख बळ को इहा आपनकर झारखंड कथा कहुतु किंबा कहुतु आपनकर छत्तीसगढ़ कथा कहुतु इयाडे गला परे सेई पट टाइम रे वर्षा हेबो ओडिशा रे वर्षा मधे के कमिबो एबे देखंतु ये हूँ चित्र जे आप देख ये हूँ कौन आम जो पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कौन वाइज आप दृश्यमान कर जो फोटो जारी कर देखते डीप डिप्रेसन अर्थ ये हूँ कोलकाता ये हूँ ओडिशा अर्थ भद्रक बालेश्वर आपणकर दीघा एरिया कैचमेंट एरिया अधिक वर्षा होदी के आम विंडी डट कम रे नजर पकईने विंडी डट कम जहाँ सूचना आसूसी आप देखते ये हूँ टिके टिके आसिब जगदलपुर रे वर्षा रहिबो भुवनेश्वर टिके वर्षा रहिबो कोलकाता रे वर्षा रहिबो एवं धनबाद रे वर्षा रहिबो एवं जदि कहिबा तापर धीरे धीरे आगु को जीव आगु को गला परे पाखा पाखी 20 तारीख बड़ को एहा ओडिसा पर धीरे धीरे आपणकर अपसरै जाउछि एवं तापर राउरकेला टिके 20 तारीख रे वर्षा अधिक रहउछि जा सूचना आसुछि एवं धनबाद रे मधे वर्षा जारी रहिबो यदि देखिबा ताले आपणकर वर्तमान स्थिति कौन रही है समुद्र आप देखते वर्तमान वर्तमान कि भाव में आंटी क्लॉक वाइज मेघखंड गुड़िक घूर्णमान अवस्था रही यार प्रभाव में वर्षार आकलन करणिपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करुच्चार प्रभाव में आपड़ जहाँ कहते हैं जब ओडिशा रे नुहे छत्तीसगढ़ में 20-21 तारीख में प्रबल वर्षा हेरा आशंका रही है जहाँकि बनिया को आहरी गोटे जो बर्तमान सक्रिय करना स्थित आहरी विपद आड़क जाए लोकों दुर्दशा आहरी बढ़ी पाए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी आपणकर आलोचना पई वर्तमान पुणी परवर्ती पर्यायर आम अधिक अपडेट नेबाय नै।
अवपात प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में वर्तमान वर्षा जारी रही। केन्द्रापड़ा जिले में भी प्रबल बर्षुची। आज सका जिलार विभिन्न स्थान में भीषण वर्षा आरंभ हो फल बन्या विपन्न दुर्दशा बढ़ी। नदी बंध उपर पलिथिन टाणी रही बन्या विपन्न वर्तमान अनेक असुविधार सम्मुखीन होती। आसबावपत्र सब वर्तमान वर्षा भिजुची। गोटे पटे बंध एवं रास्ता उपर लोके आश्रय नहीं पटे वर्तमान वर्षा से आहुरी दाउ साधुची। जो पीरी उपर कोलथ माड़ भली दुर्दशा आहुरी बढ़ई वर्षा बढ़ई वर्षा से रास्ता उपर रही घड़घड़ी वर्षार सामना करुछंती। घड़घड़ी वज्रपात आशंका रही तारी भितर से वर्तमान रास्ता उपर बंध उपर हिं एकमात्र विकल्प कारण घर भितर पानी आउ पानी बाहर भी पानी तार भितर केवल रास्ता उपर पॉलीथिन टाणी लोक माने वर्तमान जीवन बिताउछंती। अजयस मल्लिक अधिक आज आलोचना करने आम सहित अच्छा। अजयस केन्द्रापड़ार दुर्दशा आम देखे लगातार लोकपटे वर्तमान विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ हो जाए केमती देखुं विपन्न अवस्था सहायता केते दूर से पाखे पहुंची। कारण देखु आम विभिन्न स्थान बुलू सका देखी जो दुमुका पंचायत जो मार्साघाई अंचल दुमुका पंचायत आम बुलू कि लोक मैंने जातायात करते आमको देखापर तक समस्या कथा कहते से क्रम देखिए यापटे वर्षा गोटे पटे बनार जो पाला जलस्तर धीरे धीरे ह्रास पाँची ता भितर देखिए वर्षा आरंभ हो सका कि किसी समय हम पांच दस मिनट पूर्व वर्षा टी कमी कि पूर्व देखिए आम आसूल कि लोक मैंने हाथ ठारी डाकिले आम रास्ता आरपटे थी से डाकिले कि समस्या कथा निज पटर शुणा से किभली समस्या सम्मुखीन होती सीधा साल आम पटर मुहर शुणा से ही तो कथा शुणापुर आम सेपटू एक डंगा सा नौका चालक सहायत आसीचु सीधा सड़कर प्रतिक्रिया शुणा आम मऊसा केमती कौन समस्या बर्तन होपण को कारण आम देखी सेपटू देखिए पा सबुआ पा अच्छी कितु जलस्तर टे कमी केमती कौन ए समस्या होता आपन को समस्या मैंने बना आसला घर भितर पा पशिगला खाया पीवा ढीक बग बंद दुईटे आम पंचायत दुमका पंचायत जे अच्छा सरपंच एटी से गाँ भर आस बुल पड़ पलिगले जो जो पा विशेष ये ना सीटे डंगा फंगा देदेले आम पाखे डंगा पहुँच शुकला खाद्य का शुकला खाद्य कि ना मिलनी मिलनी का रंधन खाद्य भात डालमा खटा दे पाई किए पाई किए न पाई आई तापर हाँ डंगा काली आमर ये पांच छ घर पानी रे पूरा बुड़ी रही चु घर भितर पूरा सब घर टी उचार अच्छी भर पा प्रवेश कर आम घर भितर पा तीन फुट अवस्था पा तो छाड़ी पा छाड़ी तलक आसिक आम रही चुनाव तीन चार दिन है तो डंगा भी आसलानी काली आसला डंगा आम पाखक पुणी वर्षा आईलानी बर्तन आम देखु सकाल मतलब वर्षा होते अनुभव करते जोर वर्षा होता पुणी देखिए पा छाड़ी पुणी जोर वर्षा है कमी गोटे मन भय आसुनि भय आसवानी कमी भय आस साप हरिका तक घर पशुं ये कर बाहरी पार न पदा को बाहरी पार ना पदा को बाहर पार्न साप जोगी समस्या पा बर्तन कमी पियापी कर बाहर आनी किसी पानी आसनी पाउच पानी घीतिक आसला पु पहड़ी की पानी घीतिक आसला आम से पानी फाणी पीऊ लाइट फाइट जोाजोग विषय ना रात दौर बंद ये दुमुका पंचायत आम जो मार्साखाई विभिन्न अंचल बुलू ये दुमुका पंचायत रही कारण देखिए नदी एटा जो रही संपूर्ण आखापा चाष जमी गुड़िक रही किसी गाड़िया रही कि दृश्य मान हूँ देखिए सीधा साल गोटे नदी भ्रम सृष्टि करुच्ची यार भितर जो कि लोक मैंने डंगे जातायात करसबावपत्र सामग्री आने को प्रतिक्रिया ने आज्ञा आम तो देखु
ଆମର ତ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି 4-5 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ତ ମେଘ ତୁହା କୁତୁହା ଆସୁଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଘରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟିକେ କମିବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଘରେ ତାକୁ ଟିକେ ରଥଧା କରିଛୁ। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପାଲ ଫାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି କ'ଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ, ସିଏ ଯିଏ ଗଲା ସେଠି ଖାଇଲା, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ସେ ଯାଇପାରୁନି, ସେ ରହିଲା ତା ଘରେ। ଆଉ ମହିଳା ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉ ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ କିଛି ଦେଲେନି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନୁ, ଆମର ତ ପାଣି ବୁଡ଼ିଛି, ଆମେ ତ ଯାଇନୁ। ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ସେଆକୁ ସେମିତି ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଆଉ ବାହାରୁ ଆମକୁ କିଛି ଖିଆପିଆ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ତ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆମେ ଗଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ନ ଖାଇବୁ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୁଡ଼ିଛି, କାରଣ ନଳକମ୍ପ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଠାରେ ପୁରା ତ ନଦୀ ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଇବୁ? ପାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେମିତି ପହଁରି ପହଁରିକିରି ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଟିକେ ଆଣୁଛୁ, କାହା କତୁରୁ ଯାଇକିରି ମାଗି ମୁଗିକିରି ଆଣୁଛୁ, କି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ତ ସବୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଣି ତ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଇପାରୁନୁ କି ପିଇପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ବୋତଲ ପାଣି କ'ଣ କାଲି ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେଲେ କାହାକୁ ନଦେଲେ, ଆମେ ତ ପାଇନୁ। ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଆସିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଯୋଉ ମହିଳା ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ମିଳିନି, ଯିଏ ଯିବ ଖାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ସେମିତି ଅଛି ଚୁଡ଼ା ଉଡ଼ା ଘରେ ଯାହା ଯାବତୀୟ ଅଛି ଖୁଦ ମୂଳକ, ସେଆକୁ ଖାଇକିରି ଆମେ ସେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଆ ଚାଷ ଜମି ରାସ୍ତା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଏକାକାର ହୋଇଛି, କାରଣ ଘର ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାଣି ଜଳସ୍ତର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଘରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଚାରିପଟେ ମଝିରେ ଘର ରହିଛି, ଏକ ଦୀପ ଟାଇପ୍ ଭଳି ଦୀପପୁଞ୍ଜ ଭଳି ଦେଖିବେ ମଝିରେ ଘର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନୁ, ହୁଏତ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି, କାରଣ ପାଣିର ଏଠି ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ସମ୍ଭବପର ହେବ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଯାତାୟାତର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତର ରାସ୍ତା ରହୁଥିଲା, ବିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଇଏ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘର ରହିଯାଇଛି, କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି କଚ୍ଚା ଘରର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖସିଛି କାନ୍ଥ, ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲାଗି ଖସିଛି, ଏପଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି କହିବା ଏକାକାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, 15 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ, ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରିଲିଫ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଠି ବି ଲୋକେ ଭେଟଘାଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସହାୟତା କିଭଳି ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଧା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥନ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏଭଳି ଯେହେତୁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିନଥିବ, ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବ, କାରଣ ବାହାର ପଟେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରାହେଇକି ତାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ପାଲଟିଥାଏ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହି ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ତା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ହେବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ଖବର ପାଇଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଝରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ପିଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପହଁରି ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ରହିଛି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ଯାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଘରେ ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଛାତ ପାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଙ୍କି ସେ ପାଣି ପିଇବେ ମଧ୍ୟ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ପାଣି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ପାଣି ପାଣି କେମିତି ପିଆ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବସି ରହିଛି, ଚାରି ଗତି ଘେରି ଆମେ ମଝିରେ ରହିଛୁ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ରୋଷେଇ କରିପାରୁନ, ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ଖାଇ ଏମିତି ରହିଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଭିତରେ ସତୀ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଛୁ, ଆରାମରେ ଏସି ପବନରେ ବସିଛୁ, ଜଣାପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିବା, ପାଣି ଭିତରେ ଦିନ ରାତି ରହିବା ଖୁବ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ସେଥି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଜୟ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ରେ। ଏବଂ ଲଗାତାର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚାଲିଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛେ, ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ।